हमारे पीछे देख सकते हो जो परिल वर्कशॉप है, यहाँ पर हर तरह की मूर्ति आपको देखने मिल जाएगी, यानी कि मुंबई के सबसे बड़े वर्कशॉप में स्वागत है आप सभी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आइए मेरे पीछे। तो गाइज यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो हमें बड़ी बड़ी मूर्ति, जैसे मैंने आपको बताई, ये मुंबई का सबसे बड़ा वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में आपको हर तरह की मूर्ति देखने मिल जाएगी, यानी कि आप ये बोल सकते हो जितने भी मंडल है यहाँ पर आपको मूर्ति देखने मिल जाएगी। जैसे ही अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे पहले मिल जाता है एक छोटा सा वर्कशॉप, जो गर्भवती गणपति होती है उसके लिए आपको यहाँ पर मूर्ति मिल जाएगी। और जैसे ही मैं इस शॉप में अंदर एंटर करता हूँ, इसमें आपको छोटी छोटी हर तरह प्रकार की मूर्तियाँ, यानी गणपति बप्पा की मूर्ति आपको देखने मिल जाएगी। और जो बप्पा की जो मूर्ति है यहाँ पर, इतनी खूबसूरत है कि मन करता है कि सारी मूर्तियाँ मैं अपने साथ ले के चलूँ। यहाँ पर बप्पा का जो रूप दिया हुआ है इन्होंने, मूर्ति का जो आकार दिया हुआ है, इतनी खूबसूरत है। तो गाइस मैं आपको इसे वीडियो में तो आपको नहीं पता चलेगा, अगर आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि मूर्ति को टच ना करें, कृपया मूर्ति ला टच ना करूँ, प्लीज़ इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप मूर्ति को टच ना करें। क्यों? अब वो मूर्ति को टच करना मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम कहीं बाहर से आते हैं, कैसे भी आते हैं, कहीं हाथ लग जाते हैं, हमारे गंदे होते हैं, तो प्लीज़ वहाँ। सो गाइस बप्पा का ये रूप देखिए आप, ये मूर्ति को ध्यान से देखिए, मूर्ति की मतलब इतनी प्यारी प्यारी मूर्ति है जो मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता। ये मूर्ति को, यहाँ तक कि सारी मूर्ति, जो छोटी छोटी मूर्ति है, यहाँ की सारी मूर्ति देखने के बाद मेरा मन बहुत ही खुश हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर से मैं सारी बप्पा की मूर्ति अपने घर लेके चलूँ। अब मैं राइट में देखो, लेफ्ट में देखो, सब बप्पा के बाल मूर्ति, ये देखिए कितनी सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। और जो बप्पा का जो होता ही है आकार, इतना अच्छा कि मन करता है मैं सारी मूर्तियाँ घर लेके जाऊँ। गाइस ये मूर्ति देखिए, गाइस लुक एट दिस, और ये देखिए मूर्ति को, सच में मेरा मन इतना खुश हो गया यहाँ पर आके कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस यहीं रुक जाऊँ और बापा की मूर्ति को देखते रहूँ। इस वर्कशॉप में आपको छोटी मूर्ति मिल जाएंगी, यानी कि अगर आप गर्भवती के लिए अगर आप लेना चाहते हो, बुकिंग करना चाहते हो, तो इनके आप कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर खुद आके आप यहाँ पर बुक कर सकते हो और आप देख सकते हो। सो गाइस अब अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको बड़ी बड़ी मूर्ति देखने मिल जाती है, जो जिनका वर्क चालू है, जो अभी बन चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट गणपति सब रेडी हो गई है। और ये देखिए गाइस, ये एक मंडल की ट्रॉली आ चुकी है यहाँ पर, जो बप्पा की मूर्ति अभी यहाँ पर बनना। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम प्लान कर रहे हैं थोड़ा लालबाग जाने के लिए, वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कैसी तैयारी चल रही है और इसी वीडियो में आपको देखने मिलेगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इसी में ही मिलते हैं आपको थोड़ा टाइम के बाद। गाइस कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को।